यहाँ पे हम ह्यूमन से रिलेटेड हेल्थ जो है उसके बारे में बात करेंगे और उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि उसको अफेक्ट करती हैं किसी भी तरह से, और वो उसको एक डिसीज्ड कंडीशन में ले आती हैं, यानी कि उसको वो बीमार कर देती हैं। तो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड डिसीजेस को भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ होती क्या है। हम जब हेल्थ की बात करते हैं, एक टर्म है हेल्थ, इससे हम क्या समझते हैं? तो जब हम बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है जो कि ऐसी है कि हेल्थ इज़ नॉट मेरिली द स्टेट ऑफ वेलबींग, इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि हम फिजिकली भी फिट रहें, मेंटली भी फिट रहें, सोशली भी हम अगर हेल्दी हैं, तो उस सारी स्टेट को हम हेल्थ कहते हैं, ना कि सिर्फ रोग मुक्त होने को हम हेल्थ कहते हैं। तो ये हमारी WHO ने डेफिनेशन दी है। अब हम बात करते हैं डिसीज़ क्या होती है। डिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो डिसीज़ वो कंडीशन है जब हमारी जो हेल्थ है, जो उसकी उसके नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जब वो अपने पैरामीटर्स से डेविएट होती है, डिटोरिएट होती है, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी डिसीज़ की कंडीशन होती है, यानी कि हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा और बाहर की चीज़ें हमें हमारे शरीर को प्रभावित करने लगती हैं। उस कंडीशन को हम डिसीज़ या किसी तरीके का डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज के, डिसीज़ जो बीमारी है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो डिसीज़ हैं हमारी ह्यूमन डिसीज़, वो हम दो प्रकार से देखते हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं कंजिनाइटल डिसीज़, एक होती हैं हमारी एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक है? कंजिनाइटल डिसीज़ जो होती हैं वो हमारी इनबॉर्न डिसीज होती है। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, इनबॉर्न डिसीज यानी कि वो बीमारियां आपके साथ जन्म के साथ हैं, आपके जन्म के समय वो आपके अंदर आ गई हैं, या आप जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी कि डेवलपमेंटल स्टेट में आपके अंदर वो आ गई हैं, तो आपके साथ वो रहती हैं, तो उनको हम कंजेनाइटल डिसीजेस कहते हैं। जैसे कि आपकी डाउन सिंड्रोम है, ये कंजेनाइटल डिसीज़ है। फिर आ जाती है आपकी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिसीज़ होती है, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि एक्वायर करी गई। एक्वायर का मतलब होता है जब हम किसी को चीज़ को बाहर से लेते हैं, एक्वायर करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो एक्वायर्ड डिसीज़ वो होती हैं जो हमारी जन्म के बाद हम हमारे शरीर में आती है, हम बाहर के एनवायरमेंट से या अपनी पोस्ट नेटल लाइफ में अपनी एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन से हम, वो हमारे शरीर में पहले से नहीं है, हमने हमारे शरीर में बाहर से हमने एक्वायर करी है, हमारे शरीर ने बाहर से अडॉप्ट करी है किसी भी तरह से। तो तमाम तरीके की बीमारियां, जितनी आप वायरल बीमारियां देखते हैं वो सारी आपकी ज़्यादातर बाहर की होती हैं, जैसे आपकी टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, या आपकी और भी किसी भी तरीके की, जैसे अगर हम अगर करंट में भी बात करें तो कोविड का नाम आपने सुना होगा, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ये भी हमारी वायरल एक्वायर्ड डिसीजेस के अंदर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में पहले से नहीं है, ये मतलब हमारी बॉडी ने बाहर से एक्वायर किया है। तो ये एक्वायर्ड डिसीज, ज़्यादातर डिसीज हमारी एक्वायर्ड ही होती हैं, और इनबॉर्न डिसीजेज कंपैरेटिवली हमारे बॉडी में कम होती हैं, हमारे बर्थ डिफेक्ट्स भी हमारे एक्वायर्ड डिसीजेज में भी आते हैं। और जितनी हमारी कंजेनाइटल डिसीजेज होती हैं वो ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, और एक्वायर्ड डिसीजेज जो होती हैं उनमें दो कैटेगरी आती हैं। जब हम क्योंकि हमने वो बाहर से एक्वायर करी है, बाहर से ली है,
बाहर के एनवायरनमेंट से पोस्ट नेटल लाइफ में हमारे शरीर में थी नहीं, लेकिन वो बाद में हमारे शरीर में आई है। तो ये जो एक्वायर्ड डिसीज हैं ये हमारी दो तरीके की होती हैं। एक्वायर्ड डिसीज एक होती है कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज नाम से समझ में हम समझ सकते हैं, कम्युनिकेट होती है। कम्युनिकेट का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ एक जगह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कम भेजते हैं, जैसे कि हमारा कोई मैसेज है तो हम एक मैसेज दूसरे से को भेज रहे हैं, दूसरे तक पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेट करने वाली या फैलने वाली बीमारियां एक व्यक्ति से अब दूसरे व्यक्ति में अपने आप, वो डिसीजेज होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि हमारी फ्लू, कोल्ड, इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं ये कम्युनिकेबल होती हैं। दूसरी आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये तो हो गई जो कम्युनिकेट कर रही हैं, जो हमारे बिना फैलाए फैल रही हैं। कोविड भी कम्युनिकेबल है, कोविड वायर जो इन्फेक्शन है वो भी कम्युनिकेबल, बहुत ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल है, इसी वजह से हम लोग मास्क वगैरह पहनते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो आपकी उसमें आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, नॉन जब आ गया तो यानी कि जो यहाँ पे कम्युनिकेट हो रही थी या फैल रही थी वो यहाँ इन वाली में नहीं फैलेगी, यानी कि ये डिसीज़ वो होती हैं जो फैलती नहीं, अपने आप नहीं फैल रही हैं, ठीक है। तो आपकी इनमें आपकी जितनी STDs हो गई जो ट्रांसमिट हो रही हैं वो आती हैं ये, ठीक है। इनमें नॉन ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन डिसीज़ आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिसीज़ हो गई हार्ट डिसीज़, हार्ट डिसीज़ आपकी कम्युनिकेबल नहीं, मान लो रीनल स्टोन है आपका, नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये डिसीज़ रीनल डिसीज़ हैं, ये आपकी जो है फैलेंगी नहीं, ये आपकी अपनी बॉडी की हैं, ठीक है। तो ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरी हमारी एक्वायर्ड में आती है, क्योंकि ये हमने पोस्ट नेटल लाइफ में एक्वायर करी हैं बाहर से, ये पहले हमारी बॉडी में नहीं थी, ठीक है। ये तो किसी भी एज में हो सकती हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, छोटे बच्चे को भी हो सकती हैं, ठीक है। छोटे बच्चे को जल्दी होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, क्योंकि उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो ऐसे लोगों के अंदर ये इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं कम्युनिकेबल वाली बहुत जल्दी लग जाती हैं उनको। नॉन कम्युनिकेबल ज़्यादातर आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशन या आपके पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस, ये सारी ये आपकी डिसीजेस होती हैं, या एक डिसीज़ की वजह से आपकी दूसरी डिसीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आर्थरस्क्लेरोसिस है, यानी कि हार्ट में प्लाक जमने की जो कंडीशन होती है उसको आर्थरस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो अगर वो है तो ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय बाद आपको डायबिटीज़ भी होगी, आपको बीपी का प्रॉब्लम भी होगा और आपको किडनी के प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी, उसके बाद वो कंडीशन करते करते ARF, CRF, ARF तक आपकी पहुंच सकती है। तो ये वो कंडीशन होती है, इसमें ज़्यादातर एक बीमारियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो दो तरीके की एक्वायर्ड डिसीज होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब डिसीजेस तो हमें समझ में आ गई हैं कि हेल्थ क्या हो गई, कि सिर्फ ठीक हो, शरीर के बीमारी ठीक होने को ही हेल्थ नहीं कहते हैं। अगर हम फिजिकली भी फिट हैं, भले ही बीमारी नहीं है हमको, लेकिन अगर हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और सोशली फिट हैं तो ही हम उसको
ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग कहेंगे। डिसीजेज हमें समझ में आ गई कि डिसीजेज क्या होती हैं, किस कंडीशन को हम डिसीज कहते हैं, जब हमारी हेल्थ स्टेट नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा डेविएट डिटोरिएट होती है, या तो वो कम हो जाए या वो बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का स्तर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो भी वो डिसीज कंडीशन हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइटामिन्स का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको हाइपर वाइटामिनोसिस कहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी हम डिसीज़ कहेंगे, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा कम हो रहा है वाइटामिन, जिसे कि हाइपो वाइटामिनोसिस कहते हैं, वो भी आपकी एक डिसीज कंडीशन है। तो डिसीजेज समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ डिसीजेस हमें समझ में आ गया कि दो तरीके की बीमारियां होती हैं जो कि जन्म के दौरान से होती हैं, जन्म से पहले से होती हैं, एक जन्म के बाद होती हैं। जन्म के बाद वाली हमारी दो तरीके की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, जिसे हम ट्रांसमिटेबल और नॉन ट्रांसमिटेबल भी कह सकते हैं। अब आता है कि जो ट्रांसमिशन है, यानी कि जिस मोड से हमारे को वो बीमारी लग रही है, वो मोड क्या है, वो किस तरीके का मोड होता है, उसकी जरिया किस तरीके का होता है। तो ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिकेशन मोड किस जगह, तो वो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड हमारे दो तरीके के होते हैं, या तो वो बीमारी हमें सीधे लग जाएगी, या उसका एक इनडायरेक्ट मोड होगा, इनडायरेक्टली वो किसी जरिए किसी और मोड से हमें लगेगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड ऑफ डिसीज होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। जब हम डायरेक्ट मोड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मोड में यानी कि जैसे मच्छर ने काटा हमें इन्फेक्शन लग गया, या वायरस ने हमें सीधा इफेक्ट किया, सीधा हमें वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन या वो पर्टिकुलर डिसीज़ हो गई या वो पर्टिकुलर चीज़ हो गई। अब क्या है, डायरेक्ट में तो कोई मोड नहीं होता क्योंकि वो डिसीज़ हमें डायरेक्टली हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में जब हमें वो चीज़ डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही है, तो यानी कि वो कोई दूसरा मोड ढूंढेगी, किसी दूसरे ज़रिए से हमारी बॉडी में आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई टाइप हैं। पहला है हमारा इनडायरेक्ट मोड में होता है हमारा वेक्टर बोन डिसीज होती है, ठीक है। एयरबोन डिसीज होती हैं, वीकल बोन या पैथोजन बोन डिसीज होती हैं जो किसी पैथोजन से लगती हैं, आपकी वायरल बोन डिसीज होती हैं, ठीक है। एक होता है ह्यूमन ट्रांसमिशन, ठीक है। वाटर बोन डिसीज भी होती हैं, एक होती है फूड बोन डिसीज, ठीक है।